नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इसी यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, हमने पिछले वीडियो में हमारे जो उत्तर आधुनिक विचारक थे पेरे बोर्डियो, उनके बारे में पढ़ना हमने उन्होंने स्टार्ट किया था और करीब करीब मैक्सिमम चीज़ें उनसे पूरी भी कर ली थी। उसी क्रम में आगे मैं आपको, जैसा मैं कल भी बताया था कि लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि बोर्डियो ने वर्ग के विश्लेषण के लिए संपत्ति के चार रूप बताए थे और आपके एग्ज़ाम में ऑलरेडी ये पूछा भी गया है एनटीए के एग्ज़ाम में, तो आपको ये याद रखना ज़रूरी है। तो चलिए, मैं देर न करते हुए मैं फिर से एक बार रिपीट करा दे रहा हूँ जहाँ से हम लोगों ने कल एंड किया था। जहाँ पर देखिए, आप लोग कोऑपरेट करिएगा, मेरी तबीयत तो काफ़ी, मैं कल भी आपसे कह रहा था आवाज़ कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ है, तो आवाज़ को ना देखते हुए आप, मैं ट्राई करूँगा कि आवाज़ में प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आवाज़ से लेके और क्वालिटी पे फोकस करिए। तो बोर्डियो ने वर्ग के विश्लेषण के लिए संपत्ति के चार रूप बताए हैं। चार रूप कौन कौन से हैं? आर्थिक संपत्ति, सामाजिक संपत्ति, सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक। इन्होंने कहा है कि संपत्ति चार रूपों में दिखाई देती है, वर्ग के विश्लेषण में अपने बताया है इन्होंने, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक, राइट। यानी जो भी संपत्ति दिखाई देती है वो सामाजिक रूप में भी दिखाई देती है, संस्कृति के संदर्भ में भी दिखाई देती है, आर्थिक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, और प्रतीकात्मक यानी प्रतीकों या चिन्हों के संदर्भ में भी के रूप में दिखाई देती है जो संपत्ति है। वर्ग संस्कृति क्या है? वर्ग संस्कृति, क्लास कल्चर का मतलब यहाँ पे है कि ये एक प्रकार की संस्कृति क्षेत्र है। इसका से संस्कृति क्षेत्र है किसी वर्ग विशेष की संस्कृति से है। अब वर्गों का विभाजन इन्होंने मार्क्स से प्रेरित होकर, जैसे कि मैं आपको बताया था, मार्क्स से ही प्रेरित होकर ये वर्गों का विश्लेषण किया था, और वर्गों के आधार पर इन्होंने भी उच्च और निम्न के आधार पर समाज संस्कृति का डिवीज़न किया था। संस्कृति को इन्होंने समझाया था वर्ग, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के संदर्भ में। तो एक प्रकार की संस्कृति क्षेत्र है जो कामगार वर्ग द्वारा निर्मित होती है, जो वर्किंग क्लास पीपल है उसके द्वारा निर्मित होती है। इसका उद्भव औद्योगिक क्रांति के दौरान हुआ था वर्ग संस्कृति का। इसके माध्यम से प्रत्येक वर्ग की सांस्कृतिक विशेषताओं को पहचाना जाता है। यहाँ पे सांस्कृतिक विशिष्टता का मतलब यहाँ पे है कि समान विचारधारा और अनुभव व्यवहार के आधार पर ही पहचाना जाता है किसी वर्ग विशेष की संस्कृति को, राइट। देखिए, मैं यहाँ पे वर्ग संस्कृति मैं आपको बताया, यहाँ पे डेफिनेशन बताया, डेफिनेशन से ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, पूछता है कि वर्ग संस्कृति, वैसे वर्ग के बारे में आपको ऐसे पता ही है कि आर्थिक संदर्भ में, आर्थिक उत्पादन के संदर्भ में वर्ग का प्रयोग किसने किया, तो मार्क्स लगाओगे आप। लेकिन अगर वर्ग संस्कृति क्लास कल्चर की बात की जाती है तो आप बोर्डियो वहाँ पे टिक करोगे, अगर बोर्डियो वहाँ पे लिखा है मार्क्स भी रहेंगे वहाँ पे, ध्यान रखिएगा कन्फ्यूज करने के लिए आपको। तो नोट में देखिए कुछ लिखा है, बोर्डियो मार्क्स के वर्ग सिद्धांत और बेबर के सिद्धांतों को भी अपनाया था, और साथ ही दुर्खीम के भी सिद्धांतों को इन्होंने अपने अध्ययन विश्लेषण में प्रयोग किया था। डिस्टिंक्शंस, इसकी नेक्स्ट बुक का नाम है डिस्टिंक्शन। इसमें इन्होंने क्या समझाया था बोर्डियो ने, इसके अंतर्गत बोर्डियो ने रुचि और शक्ति का विश्लेषण कर वर्ग भिन्नता के आयामों पर प्रकाश डाला था। इसके अंतर्गत, इस बुक के अंतर्गत बोर्डियो ने रुचि और शक्ति का विश्लेषण करके वर्ग भिन्नता के आयामों पर, वर्ग भिन्नता यानी जो उच्च वर्ग निम्न वर्ग ऐसे करके प्रकाश डाला था रुचि और शक्ति का विश्लेषण करके। इसमें क्या बताया, इसके अनुसार इन्होंने बताया कि अलग अलग वर्गों की भिन्न भिन्न रुचियां होती हैं, उन्हें रुचि सॉरी इसके अनुसार अलग अलग वर्गों की भिन्न भिन्न रुचियाँ होती हैं, और ये रुचियां ही व्यक्ति की, जो रुचियां हैं, रुचि एक प्रकार की उनकी संस्कृति है, इसी के आधार पर ही वो उनको अलग अलग बुकों पढ़ने के लिए प्रेरित करता है ये रुचियां ही।
मतलब इसमें इन्होंने बताया कि रुचि और शक्ति के विश्लेषण के अंतर्गत इन्होंने बताया कि अलग अलग वर्गों की जो भिन्न भिन्न रुचियाँ होती हैं व्यक्ति को भिन्न भिन्न बुकें पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। इन पर सांस्कृतिक पूंजी का प्रभाव होता है। देखिए यहाँ पे सांस्कृतिक पूंजी का बताया है, यानी संस्कृति रूपी जो पूंजी है उसका प्रभाव होता है व्यक्ति को अलग अलग कार्य करने से, अलग अलग कार्य करने को प्रेरित करने से। सांस्कृतिक पूंजी का देखो यहाँ पे पूंजी आपको लास्ट में देखो लगा हुआ है, यहाँ पर पूंजी का अभिप्राय किसी कैपिटल से नहीं है बल्कि यहाँ पर संस्कृति रूपी जो विचार, जो अमूर्त आधारित पूंजी है उस पर बल दिया गया है। तो संस्कृति को आप सिर्फ आर्थिक पूंजी के रूप में मत समझिएगा, उससे अलग है। तो ये एक ऐसी पूंजी है जो संस्कृति से संबंध है, सांस्कृतिक पूंजी, जिसे व्यक्ति परिवार से प्राप्त करता है। अन्य शब्दों में पारिवारिक परिवेश ही व्यक्ति को ज्ञान समझ, ये ज्ञान समझ और रुचि ये सब क्या है, संस्कृतियां ही है जो व्यक्ति को कहाँ से प्राप्त करता है, पारिवारिक परिवेश से ही, जिसे वो अचेतन के रूप में अर्जित करता है। कहाँ से, परिवार से व्यक्ति। तो सांस्कृतिक पूंजी एक ऐसी पूंजी जो संस्कृति से संबंधित है और जिसे व्यक्ति परिवार से प्राप्त करता है, अर्थात परिवार पारिवारिक परिवेश में ही रहकर वो संस्कृति के विभिन्न रूप जैसे ज्ञान समझ रुचि आदि आदि चीज़ें वो ग्रहण करता है और ये वह अचेतन रूप में अर्जित करता है। नोट करके देखो कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है, इसको देख लीजिए। बोर्डियो अन्य संरचनावादी, देखिए यहाँ पे ये तो उत्तर संरचनावादी थे, आपको पता ही है मैंने आपको पहले बताया था उत्तर संरचनावादी और ये संरचनावादी हैं। तो संरचनावादी से भिन्न क्या है, देखो बोर्डियो ने संरचनावादियों में जैसे लेवी स्ट्रॉस, माइकल फूको इट्सेट्रा ये सब आते हैं, इनकी अपेक्षा इन्होंने किसका प्रयोग किया है, वस्तुनिष्ठ संरचनावाद का प्रयोग किया है। यानी इनका जो संरचनावाद है वो वस्तुनिष्ठ वास्तविकता पर आधारित है, राइट। जबकि जो संरचनावाद है वो व्यक्तिनिष्ठ अर्थ पर आधारित है। अब इसका क्या अभिप्राय है और डीपली समझ लीजिए, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। संरचना, यहाँ पर जो संरचना है, संरचना को सिर्फ ये संरचना व्यक्ति के द्वारा निर्धारित होती है जब, तब उसे व्यक्तिनिष्ठ संरचनावाद कहेंगे। और जब जब व्यक्ति के नियंत्रण से परे होगा संरचना, यानी संरचना का प्रभाव होता है व्यक्ति पर, तब ही क्या होगा, वस्तुनिष्ठ संरचनावाद कहा जाएगा। इसीलिए इन्हें उत्तर संरचनावादी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने क्यों वस्तुनिष्ठ संरचनावाद का प्रयोग किया था। इसमें क्या होता है, कर्ताओं की इच्छा और चेतना से स्वतंत्र होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि वस्तुनिष्ठ संरचनावाद है, ये कर्ताओं की जो होती है नियंत्रण उससे स्वतंत्र होता है। कौन, उत्तर संरचनावाद या वस्तुनिष्ठ संरचनावाद। देखिए ये हमारा काफ़ी शॉर्ट वीडियो था और मैंने आपको पिछले में भी काफ़ी बड़ा बना दिया था, 23-24 मिनट का बना दिया था। तो हम लोग यहीं पे ब्रेक करते हैं और पूरी पियरे बोर्डियो हमारा यहीं पे क्या होता है, ख़त्म होता है। और नेक्स्ट हमारे कौन से आएंगे, माइकल फूको आएंगे, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप लोग के लिए देखिए इतना हेल्प हो रही है, इतना मैं वर्क कर रहा हूँ, सारी चीज़ हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, और सब्सक्राइबर आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, बिल्कुल रुका हुआ है। इसका मतलब यही है कि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो एक दूसरे को। तो प्लीज़ अगर आप लोग को लाभ हो रहा है तो आप दूसरे को भी देखिए ना, कि हाँ दूसरे को भी लाभ मिले, अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे। और उसके साथ साथ हमारा भी मोटिवेशन इसी के आधार पर ही हुआ कि हाँ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। तो प्लीज़ आप लोग अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों को। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जो बगल जो बेल लगा होता है उसे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू सो मच।